सो हे गाइस, आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो लेके। आज बात करेंगे थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। पूरा जान लेंगे कि पहले जानेंगे कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करता है कॉलेज, फिर बात करते हैं उन कोर्सेज के अंदर एडमिशन कैसे लेना है, फिर बात करेंगे कि यार इसकी फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं इस कॉलेज के बेसिकली, उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर देखेंगे यार कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या मिलता है कॉलेज के अंदर आपको। फिर बात करेंगे यार हॉस्टल और मेस की। फिर लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है प्लेसमेंट की, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो वीडियो देखना एंड तक, शेयर करना दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाकी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो बेसिकली जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अभी अपन लोगों ने खोल रखा है अपनी लैपटॉप की स्क्रीन और उस पर खोल रखा है अपन ने थापड़ इंस्टीट्यूट का मेन वेबसाइट। जैसे कि देख सकते हैं वेबसाइट बड़ी वेल मेंटेन्ड है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बेसिकली, जो 1919 बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, अप्रॉक्सीमेटली 1965 में स्टार्ट की गई थी इंस्टीट्यूट को। और बताया जाता है कि यार इसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, मतलब इतने कोर्स अवेलेबल हैं जितना का अपने नाम भी नहीं सुना होगा। मतलब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं उनको बता देता हूँ आपको। यार बहुत सारी स्ट्रीम्स है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, डिज़ाइनिंग, सब अवेलेबल है इस कॉलेज के अंदर। आप जाइए और आपको जानना है डिटेल में कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर बात कर देख सकते हैं कि यार कौन कौन से अवेलेबल है। मैं बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको बीटेक के अंदर इसमें एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर जेई मार्क्स, जो भी आपका जेई का स्कोर रहा है उसके बेसिस पर आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। अब बेसिक सी बात आती है कि यार इस कॉलेज का जो फैकल्टी मेंबर्स है, फैकल्टी कैसा है इस कॉलेज का। तो बताया जा रहा है कि फैकल्टी की जो फैकल्टी बहुत अच्छी है इसकी, मतलब उनके पास नॉलेज है अच्छी खासी, मतलब आपको मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। और उनके पास मतलब यार सपोर्टिव टाइप है, ऐसा नहीं है कि आप भाग रहे हैं आप लोगों से दूर, ऐसा कुछ नहीं, अवॉइड कर रहे हैं नहीं आपको कि मतलब थोड़ा पढ़ा है फिर चले गए, ऐसा कुछ नहीं, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बट एक ड्रॉबैक यह है कि यार इस कॉलेज में PhD भी कराई जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो PhD वाले बच्चे हैं ना उनको ही आपको पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये ड्रॉबैक है, मतलब कभी कभी होता है, ऐसे ज़्यादातर नहीं होगा बट यार होता है। बता दिया मैंने, बताना मेरा काम था इसलिए बता दिया। फिर बात करते चलो यार आप लोग इस पे आते हैं कि यार फैकल्टी मेम्बर्स के अच्छे हैं, मतलब अबव एवरेज मान सकते हैं, तो आपको मतलब फैकल्टी इस कॉलेज की अच्छी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज है, तो ये प्राइवेट कॉलेजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ कमी नहीं होती है। सबसे पहले बात बताता हूँ यार, बेसिक सी बात जो होती है, लैब्स वगैरह सारे अवेलेबल हैं, जो भी आपके रिस्पेक्टिव कोर्स में नीडेड होती है सारी की सारी लैब्स हैं, एयर कंडीशन लैब्स हैं। और बताऊँ यार इनकी जो क्लासेज भी एयर कंडीशन है, वाईफाई लगा हुआ है पूरे कैंपस के अंदर, जो कि आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा पूरे दिन। उसके अंदर लाइब्रेरी अवेलेबल है जो कि जिसमें आप जा सकते हैं और कुछ भी पढ़ सकते हैं जो आपको चाहे, मतलब यार लाइब्रेरी की होती है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइब्रेरी अवेलेबल है, स्पोर्ट्स आए फॉर एग्जांपल बैडमिंटन, टेबल टेनिस और जो भी होते हैं फुटबॉल, क्रिकेट, जो बेसिक स्पोर्ट्स होते हैं जो नीडेड होते हैं स्टूडेंट को, सारे अवेलेबल हैं इस कॉलेज के अंदर। और यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर एक स्विमिंग पूल भी है, मतलब स्विमिंग पूल यार मैं तो बाहर ही रहता हूँ कॉलेज से अपने, ठीक है। तो यार ये भी अवेलेबल है, आप मान सकते हैं कि कॉलेज बहुत अच्छा है, बट इसी ये इतना अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर, बट एक बात ये भी कि यार फीस बहुत ज़्यादा है, मतलब यार इसका जो फीस है बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि आपको अगर इसमें यार हॉस्टल लेना तो हॉस्टल कैसा है। बेसिकली हॉस्टल ठीक ठाक से बताए जा रहे हैं, ना इतने अच्छे ना इतने जो बुरे हैं, मतलब कुछ हॉस्टल्स ऐसे बताए जा रहे हैं कि यार फाइव स्टार होटल है, मतलब यार अगर आप फाइव स्टार होटल में आ गए तो कैसा है, बट उनका यार पेमेंट भी बहुत हाई लगेगा। ऐसा नहीं है कि यार कम पेमेंट में आपको फाइव स्टार होटल मिल जाएगा, नहीं आपको उनका पेमेंट या फिर कॉस्ट भी देना पड़ेगा ताकि आपको एक फाइव स्टार होटल जैसा हॉस्टल मिल सके। खाना भी एवरेज है, मेस का जो खाना है वो एवरेज है, मान सकते हैं कि यार मतलब काम चला लेंगे आप, इतना बुरा नहीं है कि यार आपको कुछ प्रॉब्लम हो जिसके वजह से आपको होम सिकनेस वगैरह की प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो आप सेट हो जाएंगे थोड़े दिन में, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं कि यार ये कॉलेज जो मेनली फोकस करता है, मतलब जो मेनली फेमस है ये कॉलेज अपनी मैकेनिकल ब्रांच के लिए जाना जाता है। अगर आप मैकेनिकल को मैकेनिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग परस्यू करना चाह रहे हैं तो ये कॉलेज आपके लिए ही बना है, क्योंकि थापड़ इंस्टीट्यूट की जो फेमस ब्रांच है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही है। अब बात कर लेते हैं ये नेक्स्ट इसका यार प्लेसमेंट वगैरह कैसे हैं। प्लेसमेंट वगैरह यार इसके जैसे कि इसकी कॉस्ट है, जैसे फीस वगैरह है इसकी 12 से 13 लाख है, फिर जो इसकी फीस है पूरे इंजीनियरिंग की उसके हिसाब से मुझे लगा वर्थ नहीं है, क्योंकि इसका एवरेज पैकेज लगता है यार 4 से 10 लाख के बीच का। मतलब यार ये भी मैं बता रहा हूँ कि मतलब अच्छे पॉजिटिव साइड की बात करूँ तो होता है, नहीं तो यार ऐसा होता है कि इतना भीना लगे। ऐसा हुआ कि यार प्लेसमेंट 100% नहीं बताया जाता कि 100% लग रहा है, 100% तो बेसिकली किसी कॉलेज में नहीं होता, इवन IITs में भी बच्चे अनप्लेस्ड रह जाते हैं। बट इसका जो प्लेसमेंट है यार वो जस्टिफाइड नहीं है,
की फीस के हिसाब से, तो आप वो देख लीजिएगा कि आपको प्लेसमेंट के हिसाब से जाना ही चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इस कॉलेज के अंदर। अब बात करते हैं इसका जो हाईएस्ट पैकेज है अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख का बताया जा रहा है, तो आई होप कि यार 40 लाख का इन कैंपस आई थिंक सो, यार मुझे डाउट है कि यार ना लगा हो, लगा भी होगा तो कुछ ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जितनी फीस ले रहा है ना तो 40 लाख का इसका यार देना ही चाहिए। बाकी तो ऑफ कैंपस बच्चे जाते हैं बहुत अच्छे से इसके इस कॉलेज की तरफ से, क्योंकि आपको बहुत से स्किल्स मिल रहे हैं इस कॉलेज की तरफ से, तो आप आराम से ऑफ कैंपस आके अपने लिए कोई स्किल या फिर एक जॉब पा सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक लास्ट बता देता हूँ यार ओपिनियन मेरा क्या है कि यार बहुत कॉस्टली कॉलेज है, बट अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बहुत लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं इस कॉलेज के अंदर, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है, स्विमिंग पूल किस कॉलेज में अवेलेबल होती है, IITs इन सबके बाद में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यार आप अगर आपको लगता है कि जाना चाहिए, तो यार मैंने यार पूरा अपना ट्राई किया है कि आपको समझा दूँ इस कॉलेज के बारे में, तो अब इसके हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बाकी कुछ भी डाउट हो इस कॉलेज से रिलेटेड तो मुझसे पूछिएगा, जरूर अपन उसको डिस्कस करेंगे। बाकी तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो और बताओ कि यार नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए या फिर किस कॉलेज रिव्यू पर बनानी चाहिए, बनाएंगे जरूर उस पर। और फिर बाकी यार इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, चाहे वो दोस्त हो दोस्त नहीं हो इसके बाद में, और सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी तो Thanks for watching it till now.